जा रहे हैं वहाँ सोयाबीन आलू, तो पानी में अपने अपने हल्दी ऐड कर दी और इसमें सोयाबीन डालेंगे, उसको बॉईल करेंगे थोड़ा सा कि वो सॉफ्ट हो जाए, अपने आलू भी उसी के अंदर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी सोयाबीन आ गई है, अब हम अपने आलू जो है उनको पील ऑफ करने वाले हैं, उसके बाद आलू भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि उनको भी थोड़ा बॉईल करें और थोड़ा टेंडरनेस आ जाए उनके अंदर भी। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा प्याज और टमाटर का मसाला जो तैयार हो रहा है, हमने फाइनली चॉप करके उनको डाल दिया तेल में, तो इनको अच्छे से हम फ्राई होने देंगे, अच्छे से हमारे टमाटर जब गल जाएंगे और प्याज भी गल जाएंगे तो उसके बाद कितना अच्छा सा कलर आ गया हमारे सोयाबीन में। आलू भी हमने इसी में ऐड किए थे, तो थोड़ी देर इसको और बॉयल होने देंगे, उसके बाद पानी सारा स्ट्रेन कर लेंगे। तो जो मसाले हमारे इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, इस मसाले के अंदर, वो है हमारा गरम मसाला, उसके बाद हमारी कसूरी मेथी रहने वाली है, चाट मसाला थोड़ा सा रहने वाला है, हमारी चीज़ एक चम्मच रहेगा उसके अंदर, थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे, दैट इज़ विनेगर, तो नमक हमारा एज पर टेस्ट आएगा बस, और रेड चिली पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे ताकि इसका कलर बड़ा अच्छा सा आ जाए। तो बड़ा एक सिंपल सा तरीका है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे अपने। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप, मसाले हमने अपने सारे ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, एक अच्छा सा मिक्स कर देंगे सारे को। एक कप पानी ऐड करेंगे इसमें अप्रॉक्सीमेटली 200 ml, तो उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स होने देंगे ताकि मसाले हमारे जितने हैं सारे पक जाएं। तो लो फ्लेम कर देंगे हम इसकी। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी जो तैयार हो गई है, सोयाबीन आलू, तो आप भी ट्राई करें इसको बनाने की, बड़ी सिंपल सी रेसिपी है इसकी बनाने की। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।